इंसान की जाति क्या इंसान होती है, वो कास्ट दिया ये तो बनाई किसने है जातियां, ये तो हमारे जो पंडा ने बना दी, हमने बनाई, हमने बनाई है सब, मनुष्य ने ही बनाई है क्योंकि परमात्मा ने एक ही जाति दी है वो मनुष्य। एक बार जो आर्य होती है उनके लड़के या लड़कियां किसी भी कास्टिज्म को ना देखते हुए किसी से भी शादी कर सकते हैं, नो सर ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शादी कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या है, हम अपनी पसंद तो, से तो शादी कर लेते लेकिन उसमें हमारे माता पिता की सहमति नहीं होती। आर्य आर्य समाज से जुड़ी कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो आर्य समाज है समाज में क्या काम करता है, क्या किन कुरीतियों के खिलाफ है, तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार माता जी। नमस्कार भाई। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता। आप सब आर्य समाज से? हाँ। आपका नाम? सुषमा। राजकुमारी आर्य। राजकुमारी आर्य जी, क्या अच्छा संदेश देता है, क्या काम करता है आर्य समाज, की विचारधारा क्या है? विचारधारा है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अच्छे संस्कारों का बच्चों में जन्म हो वो मतलब कोशिश करते हैं समाज सुधारने की। अच्छा संदेश जाता है, अच्छे विचारों का संदेश जाता है और नशे के खिलाफ, सबसे ज़्यादा नशे के खिलाफ, क्योंकि आज का यूथ जो है वो नशे में से ग्रसित हो रखा है, तो नशे को मुक्त हरियाणा बनाने के लिए हम पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कुरीतियों की बात की कि जो गलत कुरीतियाँ हैं समाज में उसको ख़त्म करने के लिए आर्य समाज काम करता है, विचारधारा अच्छी है, ये हम सब सहमत है। हाँ जी। क्या कुरीतियाँ हैं, एक दो कुरीतियों के आप नाम बताओगे? जैसे नशाखोरी, शराबबंदी और जो बच्चों में आजकल जो चली हुई है ये जो गलत काम करते हैं बच्चे, जैसे रेप है, हाँ तो ये जो काम करते हैं इनके विरुद्ध जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आर्य समाज ही उठा रहा है। कोई कास्टिज्म भी खत्म करता है या कास्टिज्म है? नहीं, ये नहीं, ये सबको साथ लेकर चलते हैं। हाँ, कास्टिज्म की बात करके साथ सबको साथ लेकर चलते हैं आप? जी सर बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। मेरे को 17 साल हो गए आर्य समाज से जुड़े हुए। आर्य समाज से जुड़े आपको 17 साल? जी सर। अब फिलहाल आप क्या करती हो? अभी मैंने फिलहाल ही में योगा कोच का डिप्लोमा किया है योगा में और अभी फिलहाल तो मैं फ्री हूँ। जी, नेट की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो जैसे कहा जा रहा है कि कास्टिज्म नहीं करता, जात पात धर्म बात नहीं करता। जी सर। तो जो आर्य होती है उनके लड़के या लड़कियां किसी भी कास्टिज्म को ना देखते हुए किसी से भी शादी कर सकते हैं? कभी ये जुमला ही है बस बोल देते हैं? ना ना नो सर ऐसी कोई बात नहीं है। देखो शादी कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या है, हम अपनी पसंद से तो शादी कर लेते लेकिन उसमें हमारे माता पिता की सहमति नहीं होती। आर्य परिवार जो होते हैं वो सबसे पहले अपने माता पिता को इन्वॉल्व करते हैं उस चीज में, हमारे को ये लड़का पसंद है आप उनके घर बात कर लो और हम शादी करना चाहते हैं, इस तरीके से। वो उस कास्ट का भी ना हो? हाँ जी बिल्कुल, ये चीज उस कास्ट की लड़की भी ना हो। जी सर। आर्य समाज के जो माता पिता है वो एक्सेप्टेबल करते हैं ये सब? हाँ जी करते हैं, लेकिन उनके संस्कार अच्छे होने चाहिए। संस्कार तो सभी देखते हैं लेकिन सभी तो देखते हैं लेकिन उनके होना चाहिए। हमारे में कोई ऐसी बात नहीं, भी हम उन पर रोक लगाते हैं या कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते। ये बात सही है। आपको लगता है आपने ऐसा कोई उदाहरण देखा है? आप भी आ जाइएगा, आपसे भी हम बात करें। सर देखो उदाहरण की तो बात क्या कहें, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं मतलब कि जो आर्य परिवार होते हैं उनमें शादियाँ हो जाती हैं। और शादी कैसे होते हैं ये नहीं, इस तरीके बोलिएगा हरियाणा डेली पोस्ट नहीं, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। शादी होती है बिल्कुल होती है लेकिन वही बात है आर्य परिवार होते हैं, आर्य परिवार ना हो तब भी हो जाती है, बट वही बात है सबसे मेन जो चीज़ है वो संस्कार। आर्य समाज संस्कार देने का जो काम करता है, बच्चों में मोटिवेशन का जो काम करता है, अपना एम फिक्स कैसे किया जाए, ये सब चीज़ें आर्य समाज के माध्यम से यहाँ पर सिखाई जाती हैं। कोई लड़की है या कोई लड़का है वो आर्य समाज से है, उसको किसी और जो है वो आर्य समाज नहीं उससे शादी करनी है, क्या कर सकते हो? बिल्कुल, ये खुला मंच है, ये कोई एक पंथ नहीं है, आर्य समाज कोई पंथ नहीं है। आर्य का मतलब आप समझो खुले विचारधारा के, खुली विचारधारा, ओपन माइंडेड, ऐसी कोई भी प्रतिरोध नहीं है। केवल और केवल यहाँ ये चीज़ें होती हैं शादी के, जहाँ आप बात कर रहे हो शादी में ये चीज़ें होती हैं कि माँ बाप को बच्चे खुद कन्विंस करवा लें चाहे किसी भी जाति की हो,
लड़का हो लड़की हो कोई बंधन नहीं है यार। मतलब बेटा बेटी के ऊपर है, वो अपने माता पिता को कन्विंस कर सकते कर सकते हैं और माँ बाप हो जाते हैं, हो जाते हैं। हाँ, बाकी हमारे समाज में तो आप देख रहे हो कि एक बार लड़की या लड़का जवान होता है और माइंड सेट करके पेरेंट्स शादी के लिए जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने तो उनके दिमाग में होते हैं अपनी ही कास्ट के देखें। लेकिन जब बच्चे कर लेते हैं उनकी आपसी सहमति होती है, मतलब उनके विचार मिल जाते हैं, तो पेरेंट्स मना नहीं करते, बस उनको स्वीकार करते हैं, मना नहीं करते। ये जो आप सब बोल रहे हैं एक्चुअल में है भी है, है बिल्कुल है, जहाँ से हम जहाँ बिलोंग करते हैं। बिल्कुल है सर, ऐसा ऐसे क्यों बोलेंगे, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। क्योंकि वो है। मैं रहता हूँ फील्ड में, मैं ऐसा देखता हूँ बातें जो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसी में से जब ये कैमरा हट जाता है उसके बाद है वो कास्टिज्म करते हैं। नहीं मैंने बताया ना, हमारे आर्य समाज में बिल्कुल भी नहीं होता सर। मैं बता रही हूँ ना, जब पेरेंट्स मानसिक मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर जब जाता है, हमारे हरियाणा में कहते हैं जुत्ती पैर कर रिश्ता करने जा है, तो उसका माइंड सेट होता है अपनी कास्ट में करेंगे और ढूंढते भी ऐसे है। और जब बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं उन्होंने कह दिया कि भाई हमने कमिटमेंट कर लिया, तो फिर पेरेंट्स को वो कन्विंस करवा लेते हैं, वो फिर ऑनर किलिंग नहीं करते। अब वैसे ये जायज है जो अदर कास्ट में जो अपनी हाँ हाँ बिल्कुल है, कितना जी सर बिल्कुल जायज है। इंसान की जाति क्या, इंसान होती है वो कास्ट दिया ये तो बनाई किसने जातियां, ये तो हमारे जो पंडा ने बना दी, हमने बनाई, हमने बनाई है, खुद मनुष्य ने ही बनाई है, क्योंकि परमात्मा ने एक ही जाति दी है वो मनुष्य। एक बार बच्चे का जन्म हुआ हॉस्पिटल में हुआ चाहे घर पे हुआ, उसके माथे पे लिखा है ये किस कास्ट का है, वो तो बाहर आने के बाद बच्चे को क्या पता मैं किस कास्ट का हूँ, वो तो बाहर आने के बाद पेरेंट्स बताते हैं, सोसाइटी बताती है, सोसाइटी में हमारे ये चीजें विकृत मानसिकता है वो बताते हैं कि हम नीची जाति के या उच्च, बच्चे को क्या पता। अरे समाज कब तक खत्म कर देगा इन कुरीतियों को, ना ये नहीं, समाज सुधारक है वो, कोशिश करिए प्रयास करते रहते हैं। हाँ स्वामी दयानंद आज के नहीं थे, 200 साल हो गए, तो प्रयास आज भी है और जारी रहेगा ये। चलो ठीक है, तो हाँ जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, कैसे हो? अच्छे हैं। आर्य समाज से आप भी? देखिए हम तो भाई हिंदू समाज से हैं। हिंदू समाज से आप? हाँ, तो सारे समाज क्या है, आर्य समाज भी हिंदू समाज? जैसे यहाँ प्रोग्राम आर्य समाज का था तो मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, यहाँ पर सिर्फ आर्य है, लेकिन यहाँ पर सबका स्वागत है। देखिए हम आर्य समाज से नहीं है, हम हिंदू समाज से हैं और हम मानव हैं। मानव तो जो चल रहा है ये फिलहाल में 2-3 में मैंने जो बाइट किया, आपने तो सुना भी होगा। मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना कि जो शादी को लेकर होता है कि वो उस कास्ट में करना चाहिए, हमारी कास्ट में सेम शादी करनी चाहिए, ये सही है या अदर कास्ट में भी कर लेनी चाहिए? नहीं, शादी अगर किसी का मतलब ठीक व्यवहार से अगर करें, अपनी बराबर की के संतुलन को लेकर के करें, अपने पढ़ाई को लेकर के करें, अपने विचारों को लेकर के करें, अपने अच्छी प्रक्रिया से करें, ये नहीं है कि कोई मतलब छोटी उम्र की वजह से, ना समझ की वजह से, धक्का मुक्की की वजह से और जोर जबरदस्ती शादी नहीं होनी चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं, और ये जो छोटी उम्र में जो मतलब उनको ज्ञान नहीं होता, ये प्रेम प्रसंग के चक्कर में ना करें, वो होती है उम्र टीनेज की, प्रेम प्रसंग के चक्कर में ना करें, अपनी सोच समझ से। अगर मान लो कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से शादी कर रहा है, एक प्रोफेशन की उनकी एक भावना है। अगर कोई आईएएस नेता आईएएस से कर रहा है, उनकी अपनी एक, वो उनसे अच्छी सोच किसकी हो सकती है? वो बराबर का कैडर देखते हैं या उनकी अपनी क्लास फेलो होते हैं या बराबर की सोच रखते हैं? प्रोफेशनल में क्लासिज्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कास्ट में कास्टिज्म की, ये फलानी कास्ट का है, ये फलानी का है, भाई मारी कास्ट का, तो मारी कास्ट का गले हम ब्याह कराएंगे, दूसरा गला करा कौन? देखिए ये तो स्वाभाविक है, इतना हमारा विकास नहीं हुआ है जैसे अमेरिका में है और दूसरे देशों में है कि हम ये एक्सेप्ट करें। नहीं, ये हमारे बच्चे ये सीख जाएं कि दिल करे जिसके साथ प्रेम कर लो, दिल चाहे किसी, नहीं, हम उनको अपने प्रेम मतलब हम उनको यही सिखाते हैं कि परवरिश करते हैं कि किसी से गलत मत करो, गलत प्रेम मत करो, किसी के साथ गलत मतलब बाहर मत निकलो। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे या फ्री माहौल नहीं होगे, आपको यही नहीं पता लगेगा भी मेरा दूसरे से संबंध होने जा रहा है, ये आदमी ठीक है गलत है। इतनी ब्रॉड मतलब सिस्टम यहाँ नहीं है इंडिया में, थिंकिंग नहीं है, ब्रॉड थिंकिंग है भी नहीं, और अभी इतना समय इतना नज़दीक नहीं है कि बदलाव आएगा, जो बदलाव अभी कोशिश में है, मतलब चल रहा है, हो जाएगा, मतलब चल रहा है, वो कई कारण है, वो मेनली कोशिश तो है कि एजुकेशन की वजह से है। अगर किसी की अच्छी एजुकेशन हो जाती है, जिसको ये पता लग जाता है कि इस जाति बाती में कुछ नहीं रखा, अल्टीमेटली अगर अच्छी पढ़ाई कर ली,
या अपनी अच्छी महानता पे पहुंच गया, अच्छे जॉब पे पहुंच गया, अच्छी पढ़ाई पे पहुंच गया, तभी वो निर्णय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई लड़की अगर कोई 12 मतलब 15 साल की 18 साल की जो 18 साल से भी पहले किसी के साथ में प्रेम कर बैठती है, ये तो कानून नहीं, वैसे भी अपराध है, अपनी जाति में भी अपराध है। और जैसे बिना ही उसका कोई अगला बंदा जिसे शादी कर रहे हैं उसका ये नहीं पता कि वो आपको मतलब आपकी रख रखाव ठीक रख लेगा कि नहीं, आपको आपका पालन कर लेगा कि नहीं, वो एक जो होती है ना थोड़ी सी बचपना जो माइंड में होता है वो आए ना समझ से, तो अच्छा है कि शादी दूसरी कास्ट में ना करें। क्या काम करते हैं आप? ऐसा है जी, मैं तो एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर। अच्छा, अच्छा, तो आपका शुभ नाम? मेरा सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा, ठीक है। गाड़ी मिल गया। अच्छा, ठीक है। तो अंकल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक बेचारी का जो होता है सिस्टम होता है, जो हमारी ब्रॉड थिंकिंग होती है वो इतना, जो हमारा कल्चर है नहीं है कि हम उसको अपना ले, जो बाहर की है जो ब्रॉड थिंकिंग है वो हम इतना जल्दी उसको अपना ले, क्योंकि बच्चा अगर किसी प्रोफेशनल में डॉक्टर है, डॉक्टर से शादी कर लेता है, उनकी थिंकिंग है, वो कमिटमेंट कर देते हैं, अलग मैटर है। लेकिन 15 साल 16 साल या 13 साल की लड़कियाँ कर लेती है, वो गलत है। वो अंकल जी ने भी कहा, और वो कहीं ना कहीं हम भी जो उसको एग्री करते हैं कि वो थोड़ा गलत होता है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं होता कि फ्यूचर क्या रहेगा हमारा आगे जाने के बाद। तो जो मम्मी पापा होते हैं वो डांटते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो सही डांटते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।